हेलो फ्रेंड, मैं हसन प्रजापति एस एम भी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट गुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विद्रोह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक वैद्युत विद्रोह मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है और यह माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। यह वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L। अब फ्रेंड, यहाँ पर देखें, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु P है। इससे R दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस OP के लंबवत यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव हमने सपोज कर लिया कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया ओपी के लंबवत इस तरह से, और इस कोण को थीटा मान लिया। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, और यह इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर यानी केंद्र O है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर माइनस Q से प्लस Q की ओर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का दिशा होता है, यानी जो P का डायरेक्शन होता है वह माइनस से प्लस की ओर यानी ए से बी की ओर होगा। अब यहां पर जरा देखें, यहां पर इस पी का घटक इधर की ओर जब निकालेंगे तो आएगा पी कॉस थीटा, और द्विध्रुव के लंबवत इस ओपी के लंबवत इधर की ओर इसका घटक हो जाएगा, जैसे यह थीटा है तो इधर की ओर हो गया पी कॉस थीटा, और इसका घटक इधर की ओर हो जाएगा पी साइन थीटा। तो इधर की ओर घटक हो जाएगा पी साइन थीटा। अब यहां पर जरा देखें, यहां पर ये जो पी कॉस थीटा है, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को इसके अक्ष के अनुदिश इस तरह से मान सकते हैं। तो P cos थीटा के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन O से P की ओर इस तरह से, और मान लिया कि यहाँ पर यह तीव्रता कितनी है, E1 है, और इस ओपी के लंबवत P साइन थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्शन P से Q की ओर इस तरह से होगा। अब इस E1 और E2 के बीच का जो कोण है वह यहां पर 90 डिग्री। अब इसी E1 और E2 का जो परिणामी होगा वही इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो मान लिया यहां पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E है, मीन्स यहां पर E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहां पर जरा देखें, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। यहां E1 क्या है, यहां P cos थीटा द्वारा उत्पन्न
पी कॉस थीटा द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 pi epsilon naught Q cos theta P cos theta बटा R क्यूब, P cos theta बटा R क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 2P cos theta बटा R क्यूब, क्योंकि P cos theta इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर है और जो E2 है वह क्या है, परपेंडिकुलर है, इस अक्ष के परपेंडिकुलर है, तो यह कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में E1 होगा और जो E2 है चूंकि यह परपेंडिकुलर है, लंबवत है, अतः यह निरक्ष को प्रदर्शित करता है निरक्षी स्थिति में। तो यहाँ पर जरा देखें, पी कॉस थीटा द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 pi epsilon 2 P cos theta बटा आर क्यूब, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, तथा पी साइन थीटा द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी साइन थीटा द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 pi epsilon naught, यहां पर जरा देखेंगे पी साइन थीटा बटा आर क्यूब, इक्वेशन 2। यहां पर E1 और E2 परस्पर लंबवत है, तो दो सरिसों के बीच अगर कोण 90 डिग्री है तो उनका परिणामी E, देखेंगे यहाँ पर E1 और E2 का परिणामी क्या है, E है, तो E का जो मैग्नीट्यूड होगा E इक्वल टू √E1² + E2² + 2E1E2 cos 90, क्योंकि जब दो सदिश A और B एक दूसरे से थीटा कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यह पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, यहाँ पर केवल आएगा √E1² + E2²। अब E1 और E2 का मान जब रखेंगे तो E = हो जाएगा √1/4 pi epsilon naught P cos theta / R³² + 1/4 pi epsilon naught P sin theta / R³ इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं कि 1/4 pi epsilon P / R³ दोनों में कॉमन है और यहाँ पर यह हो जाएगा 2P। E1 और E2 का जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2P cos theta / R³ और यहाँ पर P sin theta / R³। तो इसमें से कॉमन कितना बनेगा, 1/4 pi epsilon naught P / R³ का होल स्क्वायर कॉमन बनेगा, और जब होल स्क्वायर को कड़ी से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो यह आएगा 1/4 pi epsilon naught P / R³, इतना यह कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से यह हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught P / R³ √, देखेंगे यहाँ पर 2 cos theta का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 cos² θ + sin² θ, इस तरह से। और फिर यहाँ पर जब E = निकालेंगे तो 1/4 pi epsilon naught P / R³ और यहाँ पर हो जाएगा 4 cos² θ, और sin² θ को लिखेंगे 1 - cos² θ, sin² θ = 1 - cos² θ,
एक कास इसमें से घट जाएगा, तो E इक्वल टू आएगा वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² थीटा और प्लस 1। तो यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षित किसी भी स्थिति में किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो फ्रेंड इससे हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो, चाहे निरक्षित स्थिति में हो, या किसी भी बिंदु किसी भी अन्य बिंदु पर हो। तो यहां पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर थीटा यहां पर क्या ले लें, 0 डिग्री ले लें, तो थीटा जब 0 डिग्री ले लेंगे तो यहां पर कास 0 का मान एक 3 प्लस 1 4, अब 4 बाहर निकलेगा तो 2 पी बटा आर क्यूब, यानी यह अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अगर हम लोग यहीं पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं तो निरक्षीय स्थिति बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और इस अवस्था में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब केवल आएगा, जो कि निरक्षीय स्थिति का फार्मूला बनता है। तो इसलिए अगर हम लोग इस फार्मूले को याद रखते हैं, इक्वेशन स्टार को याद रखते हैं, तो किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आता है कि आखिर यह जो परिणामी है वैद्युत क्षेत्र ई, वह E1 से कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर अगर यह एंगल हम मान लें फाई, तो परिणामी का जो कोण है E1 से, तो टैन फाई बराबर, तो यहाँ पर जरा देखेंगे इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें इससे भाग कर दें, यानी यह हो जाएगा E2 अपान E1। और जब भाग करेंगे तो टैन फाई बराबर, यहां जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को, तो यहां पर साइन थीटा अपान 2 cos थीटा, अर्थात यह आएगा टैन फाई बराबर 1/2 tan थीटा। इस तरह से हम परिणामी का कोण निकाल सकते हैं कि यह ओपी से कितना कोण पर परिणामी मिलता है। तो फ्रेंड इस तरह से आप वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र डिराइव कर सकते हैं। फार्मूला आता है E=1/4 πε₀P/r³ √3 cos² θ+1। इस फार्मूले की सहायता से आप अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में भी फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं।